उत्तराखंड में भाजपा ने सत्ता परिवर्तन किया, किस तरीके से, किस नजरिए से आप देखते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, भाजपा ने राज्य की जनता के ऊपर एक बार फिर उसके साथ धोखा किया है। आप 4 साल एक व्यक्ति से सरकार चलाते हैं और बिना ये बताए कि किस कारण उसको हटाया गया है, नाटकीय तरीके से उसको हटाते हैं। किसको लाते हैं ये आपका विशेषाधिकार है, जिसको लाए हैं हम बधाई देते हैं, लेकिन राज्य की जनता के तौर पर, जनता के एक हिस्सा होने के तौर पर हमारा अधिकार है कि हम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से पूछें कि इतने नाटकीय तरीके से मुख्यमंत्री बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी। क्या भ्रष्टाचार के आरोप थे मुख्यमंत्री पर? क्या निवर्तमान मुख्यमंत्री अक्षम थे? क्या उनका शासन पूरी तरीके से कुशासन था? क्या कारण थे जिसके कारण आपने इतने नाटकीय अंदाज में बदला? बजट सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी है, बजट प्रस्तुत किया है और बजट पर मतदान होना है और मुख्यमंत्री को देहरादून उसके बाद दिल्ली तलब किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये दर्शाती हैं कि भाजपा कितना संसदीय परंपराओं का पालन करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जनता को धोखा देने के लिए 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी को छिपाने के लिए आप चेहरा बदल करने का काम करते हैं, नहीं तो कारण बताना चाहिए। आप कोई संतोषजनक कारण बताइए तो बात समझ में आती है, नहीं तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि एक ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी निवर्तमान सरकार की, निवर्तमान मुख्यमंत्री की, निवर्तमान मंत्रीगणों की, विधायकगणों की, इसलिए आपने जो है चेहरा बदल करके उस एंटी इनकम्बेंसी को छिपाने का प्रयास किया, कुप्रयास किया।